डिवाइन फेमिनाइन का घर कैसा होता है, सीरियसली फैमिली कैसी होती है। देखो मेरे बाप ने ना ऊपर बहुत सुंदर मकबरा बनाया है, लेकिन ये रेप्टेंगल स्टार सीट जो है ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे भी नहीं जाने दे रही, खुद भी नहीं जाने दे रही। सुबह से जो है किचन एंगेज हो जाता है, यहाँ पे मुझे जाने की परमिशन नहीं है। तो मेरे लाइफ में सिर्फ 2 साल से चल रहा है पोहा, उपमा, खिचड़ी। मैंने अपने बाप से कहा, आपकी लाइफ का तो सोना हो गया है, सोना सोना सोना। मुझे 2 वक्त की रोटी तो मिले, अगर आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ तो मैं खुद अपने लिए खाना बनाकर खा सकूं। ये ऑल डे पैक कर देती है किचन, यहाँ पे किसी को जाने को परमिशन नहीं है। गए तो झगड़े, उस झगड़े फिर बाप का बीपी भी हाई हो जाएगा। तो मैं सपना देख रही हूँ कि कब ये ऊपर जाएंगे, कब मैं खुद के लिए सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी। लिटरली मैंने 2 साल से सब्ज़ी और रोटी नहीं खाई है, मैं सिर्फ उपमा, पोहा, खिचड़ी। यहाँ पे बाहर जाने का भी नो पैटर्न। जब मैं शिरडी में गई थी ना, लिटरली मुझे जो दाल चावल देख के मुझे हेवन फील हुआ, सीरियसली। मेरा घर ना नर्क बन चुका है। यहाँ पे ना 2 वक्त का खाना भी आप नहीं खा सकते हो। मैं कोई ना चप्पल लेके मारो मेरे बाप को, और उनको समझाओ कि इतना मकबरा बनाया है ऊपर तो ममताज नीचे क्यों रह रही है।